हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना सीख रहे हैं जहाँ पर हम एक स्टूडेंट के टर्म वन टर्म टू के मार्क्स स्टूडेंट की अटेंडेंस और आवर्स ऑफ स्टडी अपने मॉडल में इनपुट करते हैं फिर हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि इस स्टूडेंट के फाइनल एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स आएंगे हमने जो अभी मॉडल ट्रेन किया था उसको हमने टेस्ट करके देखा टेस्टिंग के लिए हमने मॉडल में वो डेटा इनपुट किया जो हमारे मॉडल ने टेस्टिंग के दौरान नहीं देखा था तो हमने रोल नंबर सिक्सटी वन का डेटा लिया और इस डेटा को हमने अपने मॉडल में इनपुट किया तो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि इस स्टूडेंट के 78 मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में आने चाहिए एक्चुअली इस स्टूडेंट के फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स थे 67 यानी कि यहाँ पर हमारे मॉडल का जो एब्सल्यूट एरर था वो था 11 मार्क्स का और फिर हमने ऐसे ही एक और स्टूडेंट टेस्ट किया हमने रोल नंबर सिक्सटी का जो डेटा था वो अपने मॉडल में इनपुट किया हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि इस स्टूडेंट के फाइनल एग्जाम से मार्क्स आने चाहिए सेवेंटी पर एक्चुअली इस स्टूडेंट के आए थे मार्क्स सिक्सटी फाइव यानी कि एक्चुअल एरर था फाइव का तो अब हम इस वीडियो में समझते हैं कि हम जो हमारे लीनियर रिग्रेशन बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं हम उनकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं हम एक्यूरेसी दो तरीके से बढ़ा सकते हैं एक है वेरिएबल सिलेक्शन और दूसरा है हाइपर पैरामीटर एडजस्टमेंट तो जब हम वेरिएबल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग लीनियर रिग्रेशन बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स में तो हमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ रेलेवेंट वेरिएबल्स चुनना बहुत ज़रूरी है और जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चुने उनकी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए कोई ना कोई को होना चाहिए जब हम लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस मॉडल की वन टू वन रिलेशनशिप है यानी कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उ, उसकी आपस में वन टू वन रिलेशनशिप है पर मार्क्स प्रडिक्शन मॉडल में हम लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स ये मॉडल बना रहे हैं और इस टाइप के वेरिएबल्स की मेनी टू वन रिलेशनशिप होती है यानी कि हमारे कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और इन सब की जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ कोई ना कोई कोरिलेशनशिप तो होनी चाहिए पर होता क्या है कि इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आपस में भी कई बार कोरिलेशनशिप होती है तो अगर ऐसा होता है तो देर इज अ चांस कि देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनिटी यानी कि अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं तो चांसेस आर कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये जो कोरिलेशनशिप है वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है अगर ऐसा हमारे मॉडल में ऐसा हो रहा है तो हमारे को इनमें से केवल एक ही वेरिएबल को अपने मॉडल में रखना चाहिए दूसरे वेरिएबल को ड्रॉप कर देना चाहिए अदरवाइज देर इज अ चांस कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें हम रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्कैटर प्लॉट एंड अ को रिलेशनशिप स्कोर यहाँ पर मैं वापस अपने मशीन लर्निंग मॉडल पर हूँ जो हमने डेटा फीड किया था वो यहाँ पर ये हमारे पास डेटा है और यहाँ पर बिफोर ट्रेनिंग द मॉडल हम वेरिएबल सिलेक्शन को देख रहे हैं बेस्ड ऑन जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाई तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ अटेंडेंस जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फाइनल एग्जाम मार्क्स जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हम इसी पे अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं तो इन दोनों की अगर हमारे को रिलेशनशिप देखनी है तो मैं यहाँ पर ये ड्रॉग्राफ कहता हूँ तो हमारे को इसका स्कैटर प्लॉट मिल जाता है और हमारे को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो रिलेशनशिप को रिलेशन है वो एक्चुअली बहुत कम है क्योंकि ये स्कैटर प्लॉट में हमारे को कुछ भी रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रही है पर हम इसकी एक्चुअल रिलेशनशिप भी देख सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस कोरिलेशन टेबल और यहाँ पर हमारे को कोरिलेशन मिल रहा है माइनस जीरो पॉइंट सेवन तो माइनस जीरो पॉइंट सेवन तो देर इज हार्डली एनी कोरिलेशनशिप बिटवीन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल कॉल अटेंडेंस विद द डिपेंडेंट वेरिएबल फाइनल एग्जाम मार्क्स तो अपने मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जो हम बात कर रहे थे कि हमें रेलिवेंट पैरामीटर्स रखने चाहिए रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल पैरामीटर्स रखने चाहिए तो उसके हिसाब से हम ये अटेंडेंस को डिसेबल कर देते हैं फिर हम आर्स ऑफ स्टडी विद फाइनल एग्जाम्स इसकी रिलेशनशिप देख रहे हैं तो इसका स्कैटर प्लॉट uh, ऐसा है और इट सीम्स लाइक देर इज़ अ सम लेवल ऑफ कोरिलेशनशिप हियर और हम एक्चुअल कोरिलेशन देख सकते हैं तो कोरिलेशन इज़ जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट थ्री यानी कि ज़ीरो पॉइंट सेवन है विच इज़ क्वाइट हाई पॉजिटिव कोरिलेशन तो हम आवर्स ऑफ स्टडी को अपने मॉडल में रखेंगे फिर टर्म वन मार्क्स की फाइनल एग्जाम मार्क्स से हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो इसका मैं सीधे कोरिलेशन देख रहा हूँ तो ये है पॉइंट सिक्स सिक्स नाइन नाइन सो ऑलमोस्ट पॉइंट सिक्स सेवन तो ये भी स्ट्रॉन्ग uh, कोरिलेशन रखते हैं तो वील कीप टर्म वन मार्क्स इन आर मॉडल फिर फाइनली हम टर्म टू मार्क्स विद फाइनल एग्जाम मार्क्स का कोरिलेशन uh, देख रहे हैं वो है पॉइंट तो हम इसको भी अपने मॉडल में रख लेते हैं उसके बाद हमारे को uh, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी आपस का कोरिलेशन देखना है तो आर्स ऑफ स्टडी एंड टर्म वन मार्क्स का अगर हम कोरिलेशन देखते हैं तो वो है पॉइंट फाइव फाइव और आर्स ऑफ स्टडी विद टर्म टू मार्क्स का जो रिलेशन है वो है पॉइंट फोर टू और फाइनली टर्म वन एंड टर्म टू मार्क्स का जो कोरिलेशन है वो है पॉइंट फाइव फाइव अगर हमारे पास कुछ और रेलिवेंट डेटा पॉइंट्स होते तो हम और उनको यहाँ पे उनकी को रिलेशनशिप देख सकते थे पर गिवन वॉट वी हैव हम ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिलेशनशिप विद दिस डिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड फाइनल एग्जाम हम ये अपना मशीन लर्निंग मॉडल का बेसिस बनाएंगे तो मैं फाइनल एग्जाम मार्क्स को फिर से सेटस आउटपुट कह रहा हूँ फिर नेक्स्ट हम समझते हैं हाइपर पैरामीटर्स हाइपर पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिनकी अगर वैल्यू चेंज होती है तो वो उन उसका इम्पैक्ट हमारी लर्निंग प्रोसेस और मॉडल आउटकम पर होता है तो जो तीन मेन हाइपर पैरामीटर्स हैं पहला है ई तो ई का मतलब होता है कि जब हम अपने डेटा सेट का हर एक डेटा पॉइंट अपने मशीन लर्निंग मॉडल को एक बार एनालिसिस के लिए फीड कर देते हैं तो उसको ई कहते हैं पिछले वीडियो में हमने अपने मशीन लर्निंग मॉडल में ई को फिफ्टी रखा था हमारे डेटा सेट में सिक्सटी एंट्रीज थी यहां पे ई का मतलब है जब ये सारी सिक्सटी एंट्रीज एक बार मॉडल में फीड होके उनका एनालिसिस हो जाता है तब हम कहते हैं कि एक ई जो है वो कंप्लीट हो गया है दूसरा हाइपर पैरामीटर है बैच साइज बैच साइज का मतलब है कि नंबर ऑफ सैंपल्स यूज्ड इन वन आइटरेशन ऑफ द ट्रेनिंग तो हम बैच साइज को हम जो अपना डेटा है जो पूरा डेटा सेट है उसको बैच साइज़ में इसलिए स्प्लिट कर देते हैं गिवन कंप्यूटर कंप्यूटिंग पावर और टाइम टेकन टू एनालाइज़ द डेटा तो नॉर्मली हम बैच साइज़ को 16 रख के डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं पर मान लो हमारे इस डेटा सेट में हम बैच साइज़ को 10 अगर हम कहते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज़ हैं 60 तो जो हमारा पूरा डेटा है उसको 60 डिवाइडेड बाय 10 सिक्स बैचेस में सिस्टम जो है उसको स्प्लिट कर देगा और जब छ बैचेस एक बार हमारे सिस्टम में फीड हो जाएंगे फॉर एनालिसिस तब उसको हम कहेंगे कि एक इपोक जो है वो खत्म हो गया है तीसरा हाइपर पैरामीटर है लर्निंग रेट जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा मॉडल एक पोटेंशियल लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएगा और फिर उसका एरर कैलकुलेट करेगा फिर एक और लाइन बनाएगा तो जो सेकेंड लाइन है वो पहली लाइन से कितनी दूर है दैट इज़ द लर्निंग रेट फॉर एग्जाम्पल अगर सेकेंड लाइन बहुत पास है और फिर उसके नेक्स्ट लाइन भी बहुत पास है उसके नेक्स्ट लाइन भी बहुत पास है तो हम कह रहे हैं लर्निंग रेट ऑफ द मॉडल बहुत कम है तो अगर लर्निंग रेट बहुत कम है तो फॉर द मॉडल टू रीच द लाइन ऑफ बेस्ट फिट टाइम एंड कंप्यूटिंग पावर बहुत खर्च होगी एंड एज अपोज टू दिस अगर फर्स्ट लाइन यहाँ थी और सेकेंड लाइन जो है वो काफ़ी दूर थी यानी लर्निंग रेट बहुत हाई था और उसके बाद थर्ड लाइन और दूर थी तो देर इज अ चांस कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ बेस्ट फिट है मॉडल उसको ढूंढ ही ना पाए क्योंकि लर्निंग रेट बहुत हाई था इन कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम अपने मॉडल को फिर से ट्रेन करते हैं तो हमने वेरिएबल सिलेक्शन किया है आवर्स ऑफ स्टडी टर्म वन मार्क्स एंड टर्म टू मार्क्स और यहाँ एडवांस का टैब दबा के हम हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं तो मैं यहाँ कह रहा हूँ ई हमारे होंगे 500 यानी कि हमारा जो मॉडल है वो हमारे पूरे डेटा को 500 टाइम्स एनालाइज करेगा बैच साइज़ मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ 16 और लर्निंग रेट भी डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ पॉइंट और हम अब अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारे पास हैं ई और वाई एक्सिस में है मीन एब्सल्यूट एरर और ये ग्राफ दिखा रहा है कि हर आइटरेशन यानी हर ई पर जो हमारा मीन एप्सट्यूट एरर है उसका क्या हो रहा है तो इनिशियली बहुत हाई था वो धीरे धीरे कम आ रहा है बट हो सकता है कि ये जो हमारा मॉडल है अगेन बहुत एक्यूरेटली ना प्रिडिक्ट करे और इसको ठीक करने के लिए फिर हो सकता है हम वेरिएबल्स को फिर से देखें मे बी हम टर्म वन एंड टर्म टू मार्क्स का जो कोरिलेशन था वो काफ़ी हाई था तो मे बी हम हम एक ही पैरामीटर लें और दूसरे को डिसेबल कर दें एंड आइडियली हमारे पास 60 से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होने चाहिए और अगर हमारे पास कोई और डेटा है जो कि रेलिवेंट है इस पर पर्टिकुलर मॉडल के लिए तो अगर वो डेटा भी होगा तो हमारा मॉडल और एक्यूरेटली मार्क्स प्रिडिक्ट करेगा पर हम अभी जो भी हमारा मॉडल है इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं तो पिछली बार हमने रोल नंबर 61 के साथ हमने अपने मॉडल को टेस्ट किया था क्योंकि 61 से 70 जो हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है वो हमारे मॉडल ने ट्रेनिंग के दौरान नहीं देखा है इसलिए हम उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे रोल नंबर 61 का हमारे पास आवर्स ऑफ स्टडी है 68 टर्म वन मार्क्स 50 टर्म टू मार्क्स 56 ये मैं मॉडल में इनपुट कर रहा हूँ और फिर मैं मॉडल से कह रहा हूँ टू प्रिडिक्ट एंड प्रडिक्शन इज फिफ्टी मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम और एक्चुअली इस स्टूडेंट के फाइनल uh, मार्क्स थे सिक्सटी तो यहाँ पे जो हमारा एब्सल्यूट एरर है वो अब है नाइन पिछली बार था एलेवन हम यहाँ पे रोल नंबर सिक्सटी टू को भी टेस्ट करके देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा है सेवनटी एट फिफ्टी फाइव थर्टी सिक्स हमारी प्रडिक्शन है सिक्सटी वन और इस स्टूडेंट के एक्चुअली आए थे मार्क्स सिक्सटी यानी कि हमारा जो एब्सल्यूट एरर है वो है वन एंड हम एक लास्ट टेस्ट करके देख सकते हैं पिछली बार हमने रोल नंबर सिक्सटी फाइव के मार्क्स प्रडिक किए थे और यहाँ पर हमारे पास डेटा है 67, 40 एंड 64 और हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है 60 या 61 मार्क्स और इस स्टूडेंट के एक्चुअली आए थे 65 मार्क्स सो एब्सल्यूट एरर है फोर का तो ये मॉडल फॉर श्योर हमने जो पिछले वीडियो में मॉडल ट्रेन किया था उससे ज़्यादा एक्यूरेट है और इसको एक्यूरेट बनाने के लिए एक हमने अटेंडेंस वेरिएबल को ड्रॉप कर दिया था अंडर वेरिएबल सिलेक्शन और दूसरा हमने हाइपर पैरामीटर्स में ई को बढ़ा दिया था तो आई होप आपको कॉन्सेपचुअली ये बात समझ में आ गई है कि जब हम लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स का मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी को एडजस्ट करने के लिए हम बेटर वेरिएबल सिलेक्शन करते हैं बाय चेकिंग द कोरिलेशन और हम हाइपर पैरामीटर्स को रीएडजस्ट कर सकते हैं फाइनल स्टेप में हम ये जो हमने मॉडल को ट्रेन किया है इसको हम पिक्टो uh, ब्लॉक्स में कॉल करके इस, इसका स्क्रैच टाइप इंटरफेस बना सकते हैं ये करने के लिए हमारे को अपना डेटा जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और फिर मशीन लर्निंग एन्वायरमेंट के प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स के साथ हम स्क्रैच बेस्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं इसेंशली हमारे को ये जो तीन हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हम यूज़र से कहीं किसी स्टूडेंट के लिए ये तीनों वेरिएबल्स यूज़र जो है वो इनपुट करेगा और फिर हमारा मॉडल इनको एनालाइज करके फाइनल एग्जाम मार्क्स की प्रोडिक्शन देगा हम सेंसिंग ब्लॉक से आस्क इनपुट एंड वेट की कमांड ला रहे हैं और यहाँ पर फिर हम इन तीनों वेरिएबल्स की एक एक करके यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं और यूज़र जो भी इनपुट दे रहा है हम उसको आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं फिर हम मशीन लर्निंग ब्लॉक से एनालाइज नंबर्स की कमांड ला रहे हैं और हम चाहते क्या हैं कि ये जो भी एनालिसिस है ये उसको एक मीनिंगफुल वे से प्रेजेंट हो इसके लिए हम ऑपरेटर्स में जाके जॉइन की कमांड ला रहे हैं और जो ये मार्क्स प्रिडिक्ट कर रहा है मॉडल ये जैसा आपने देखा था कई सारे डेसिमल प्लेसेस तक इसकी प्रिडिक्शन जा रही थी तो हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल एक्चुअली राउंड ऑफ करके हमारे को मार्क्स जो है वो एक मीनिंगफुल वे में ही दिखाए तो इसके लिए हम ये जॉइन और राउंड ऑफ की कमांड्स ला रहे हैं फिर हम लुक्स में जाके से ब्लॉक ले लेकर हम कह रहे हैं कि जिस टेलस दिस होल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ द मार्क्स अब हम अपने मॉडल को टेस्ट करके देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर 69 का डेटा इनपुट कर रहा हूँ तो आर्स ऑफ स्टडी आर 78, फर्स्ट टर्म मार्क्स आर 45 एंड सेकेंड टर्म मार्क्स आर 32। हमारा मॉडल कह रहा है कि दिस स्टूडेंट इज़ लाइकली टू गेट 56 मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम और यहाँ पे एक्चुअली मार्क्स थे फिफ्टी इसी तरीके से आप और भी जो डेटा है उसको इनपुट करके अपना मॉडल टेस्ट कर सकते हो ये जो थ्री पार्ट वीडियो ट्यूटोरियल था इसमें हमने लीनियर रिग्रेशन समझा लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल समझा फिर हमने मशीन लर्निंग की कुछ इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझा और फाइनली हमने मॉडल को ट्रेन कर कर उसको हमने स्क्रैच के प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स यूज करते हुए उसका पिक्टो ब्लॉक्स में इंटरफेस बनाया आई होप इन तीन वीडियो ट्यूटोरियल से आपको मशीन लर्निंग विद लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली